Hi everyone. So in this video, we'll be covering up the whole of the oxidation number. यानी किसी organic compound को कैसे आप oxidize कर सकते हो, इस video में हम पूरी तरह से complete करने वाले हैं. एकदम basic से start करेंगे and सारे reagents will be covering और उससे related अच्छे अच्छे questions भी हम लगाने वाले हैं. So copy pen निकालो, let's start this lecture. So गाइस, सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन. यार, ऑक्सीडेशन को बड़े इजीली तीन टर्म्स में समझाया जाता है. या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो, या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो. जैसे गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह से डिफाइन है. जैसे हमने रेडॉक्स में पढ़ा था, या तो ऑक्सीजन, या तो हमारा जो ऑक्सीजन है आप एक ऑक्सीजन को ऐड कर दो, या तो एक हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर दो, या एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो. ये तीनों चीजें एक ही बात को डिफाइन करती हैं कि यहां पर एक रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. नाउ गाइस, अब आपके सामने, जैसे मान लो आपके सामने एक रिएक्शन है, जैसे आपके सामने यहां पर आपको एक अल्कोहल दिखाई दे रहा होगा. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, देन मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, पर्दे के पीछे क्या हुआ, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो सबसे पहले, जैसे अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट वे में आपको बता रहा हूं, कभी आप गलत नहीं होगे. जैसे मान लो आपके सामने ये एक अल्कोहल है, ठीक है. अल्कोहल में आपको एक कार्बन दिख रहा होगा और एक ऑक्सीजन दिख रहा होगा, राइट. आप दोनों को, आप एक आपको कार्बन दिख रहा होगा एंड एक आपको हाइड्रोजन. आप कार्बन एंड ऑक्सीजन को आपको कॉल लगाना है, ठीक है, यानी फोन लगाना है. फोन लगाकर आप उनसे ये पूछो कि आप दोनों के पास क्या हाइड्रोजन अवेलेबल है, और अगर बोलेंगे यस, तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल होगा तो उन दोनों हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर देना और इसके बीच में एक बॉन्ड बना देना. डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग ये हुआ क्यों, वो भी मैं बताऊंगा. बट पहले आप प्रोडक्ट बनाना सीखो कि कार्बन ऑक्सीजन को कॉल लगा, हेलो भाई हाइड्रोजन है, दोनों ने एक एक हाइड्रोजन रिमूव किया और आपने क्या बना दिया, उनके बीच में एक डबल बॉन्ड ओ, यानी आपका एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर आपको मिला एल्डिहाइड. ओके सर, नाउ गाइस, आपने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है. अब फिर से कॉल लगाओ कार्बन एंड ऑक्सीजन. आपने जब कार्बन को कॉल लगाया, हेलो कार्बन भाई, कार्बन ने बोला मेरे पास हाइड्रोजन है, बट ऑक्सीजन ने बोला नो आई डोंट हैव हाइड्रोजन, नहीं है. तो अब आप क्या करोगे, अब आप हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब आप हाइड्रोजन रिमूव करने के बजाय आप ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे. तो गाइस, अब आप इस केस में क्या करने वाले हो, यहां पर आर सी डबल बॉन्ड हो तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे इन बिटवीन. You guys must be thinking कि ये कैसे हो गया. मैं आपसे वादा कर रहा हूँ अभी पूरा mechanism discuss करने वाले, don't worry. But पहले इस चीज को तो समझो कि अगर आपने carbon oxygen को call लगाया, hello guys what's up, तो अगर दोनों के पास hydrogen है, hydrogen remove कर दो, बीच में double bond लगा दो, हो गया oxidation. And similarly अगर नहीं है hydrogen oxygen के पास, then आपको एक oxygen add करना पड़ेगा in between, तो यहाँ पर हो गया ये carboxylic acid, यानी कि आपका guys carboxylic acid बन गया. Now you guys must be thinking कि ऐसा हुआ क्यों. You guys, आप इसको नोट करो guys properly. Come on guys, come on, make a proper note of it. और मैं आपको बताता हूँ इसका reason क्या है. तो चलो guys, इसके reason पे चलते हैं कि what is the reason behind this, ऐसा हुआ क्यों. तो चलो, तो सबसे पहले हम आते हैं behind the scenes में. तो behind the scenes में कहानी ये थी कि मैंने आपको बताया था कि this is alcohol और alcohol में आपको इसका hydrogen remove करना है. अब ऐसे तो होता नहीं होगा, what is the reason, तो reason समझो गाइस. ऐसा आप सबको पता है कि oxygen ताकतवर electronegative है, electrons को खींचता है, तो इसमें partially negative और इसमें partially positive. अब गाइस ये negative और ये positive है, तो यहाँ पर हुआ क्या, इसके लोन पेयर इसके जो लोन पेयर यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पॉजिटिव को देखकर बॉन्ड बनाने के लिए आ गए. और गाइस जैसे ही वो बॉन्ड बनाने आएंगे तो यहां पर इन दोनों को अपने एक एक बॉन्ड पहले वाले तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी वैलेंसी है उससे ज्यादा तो बॉन्ड बना नहीं सकते. फिर से वन सेकेंड इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से. सर ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, अरे गाइस टग ऑफ वॉर वाली गेम की वजह से यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का डिस्प्लेस कर लेता है, हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. इस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने की वजह से यहां पर बॉन्ड बनाने आता है, एक डबल बॉन्ड. और जब ये बॉन्ड बनेगा ना गाइस, तो इसके पांच हो जाएंगे और इसके तीन, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इनको अपने अपने जो. अच्छा, अब एक बात और, अब ये कार्बन किसको हटाए, तो किसको, हाइड्रोजन को या आर. आर व्हाट इज आर, आर एक एल्किल ग्रुप है, कोई कार्बन का ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ठीक.
तो कार्बन हाइड्रोजन जैसे गरीब इंसान को ही हटा सकता है, एल्किल ग्रुप को नहीं भगा सकता गाइस, ठीक है? तो वो हाइड्रोजन को बाय बाय कर देगा और इसको भी बाय बाय कर देगा। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं गाइस इस चीज के बारे में कि कार्बन जो है एल्किल ग्रुप को भगा नहीं सकता, वो हाइड्रोजन को ही भगा पाएगा। तो गाइस वो हाइड्रोजन को भगा देगा एंड ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन को भगा देगा एंड यहां पर बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ विद एच। नाउ अब इसके बाद भी हमने इसको ऑक्सीडाइज किया था, तो जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया था तो वो ऑक्सीडेशन में गाइस एक ऑक्सीजन बीच में आके चिपक गया था, राइट? तो वो ऐसे पॉसिबल तो है नहीं। तो यहां पर H2O की प्रेजेंस में ये होता है एक्वस फेज में, ठीक है? तो अब H2O के प्रेजेंस में होता है, तो कंप्लीट मैकेनिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत आराम से इत्मीनान से सुनना गाइस, ये थोड़ा सा अच्छा है, तो आपकी थोड़ी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, राइट? सो यहां पर मैंने बोला कि यहां पर आपका ये एक एल्डिहाइड है, ठीक? यहां पर हमने इसकी हाइड्रोल या H2O के फेज में इसको ऑक्सीडाइज कराने की प्लानिंग है हमारी। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब गाइस उसका जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा और अपने लोन पेयर्स को डोनेट करके इसको मदद करने की कोशिश करेगा, राइट? जैसे ही ये इसको मदद करने को आता है यहां पर गाइस ये डबल बॉन्ड टूटकर ऊपर चला जाता है, जो कि आप सब जानते हो, किसी को नहीं पता, कोई ऐसा है जो एकदम नया प्लेयर है ये सब चीजों में, किसी को ऐसा लग रहा है अरे ये सब चल क्या आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो गाइस बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, अगर आप एकदम न्यू कमर हो इस चीज में तो एकदम आराम से आप चीजों को समझो। दो लोग हैं, एक बहुत ताकतवर है, एक बहुत कमजोर। तो जो ताकतवर है ना वो टग ऑफ वॉर वाली गेम में अपनी तरफ खींचता है, राइट? उसी तरह से ये ऑक्सीजन कार्बन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पार्शियली नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव, राइट? अब ऑक्सीजन के पास उधर लोन पेयर्स हैं यानी नेगेटिव। अब यार गाइस जैसे एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से प्यार हो जाता है, उसी तरह से ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, और जब अट्रैक्ट होगा तो इसकी तरफ आएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने। बड़ा सिंपल सा यार, आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आई थिंक कि आपको बातें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, राइट? नाउ द थिंग इज जैसे ये इसको डोनेट करेगा, कार्बन एक नया बॉन्ड जैसे ही बनाएगा तो उसको अपना पहले वाला रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, यानी जो डबल बॉन्ड है वो कमजोर भी होता है तो वो टूट के ऊपर जाएगा, ठीक है? ये मैकेनिज्म उतना मतलब आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, सॉर्ट ऑफ अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड आपको स्कूल में एग्जाम देना है तो वही कंसेप्ट सही था जो मैंने स्टार्ट में बताया, राइट? अब यहां पर सीन ये है कि ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, नीचे की तरफ आ जाएगा ओ, इधर लगा देते हैं एक हाइड्रोजन पहले वाला एंड इधर की तरफ ओ एच एंड एच। नाउ गाइस द थिंग इज दैट ऑक्सीजन ने ये H2O ने अब तीन बॉन्ड बना लिए, तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो इस कहानी में अगला क्लाइमेक्स क्या होगा कि ये नेगेटिव बोलेगा इस एच को, ले तू मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले और मेरे पास आ जा, इसका साथ छोड़, इसके पास क्या है, तू मेरे पास आ जा। तो गाइस इस कहानी में अगला क्लाइमेक्स ऐसा होता है, थोड़ा कहानी की तरह गाइस इसको सुनोगे तो रियली आपको मजा आएगा। तो यहां पर ऊपर की तरफ आ जाएगा OH, इधर की तरफ हो जाएगा OH और इधर की तरफ आएगा H, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से सुनो। जैसे ये H2O के इस कार्बन के पास लगेगा यहां पर ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड हो जाएंगे। अब तीन बॉन्ड होने से हुआ क्या, जब इंसान अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेता है ना तो उसके पास प्रॉब्लम आने लग जाती है। ऑक्सीजन को सिर्फ दो बॉन्ड बनाना था, जैसे ही उसने तीसरा बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आ गया। सर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया। क्या किया? लोन पेयर को डोनेट, राइट? लोन पेयर को डोनेट करने की वजह से उस पर एक प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन को अपना हाइड्रोजन को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये, तो ये हाइड्रोजन को जब हटाएगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव H+ की मदद कर देगा और बोलेगा भाई मेरे पास आ जा एंड क्या बना लेगा OH। सो गाइस ये मैकेनिज्म अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुरंत तुरंत प्रोडक्ट्स को लिखने में, राइट? तो अब देखो जैसे हम लोग वापस चलते हैं। सो गाइस अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे, सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ध्यान से देखना प्लीज, कम ऑन। हरिया, तो ये आप लोग चाहो तो पहले आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, एक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर से वही काम, कॉल लगाएंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन को और पूछेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन है, और अगर जवाब होगा हाँ तो दोनों एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, राइट? तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, H नीचे बना लो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सिमिलरली फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे और फिर कॉल लगाएंगे तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर हाइड्रोजन तो नहीं अलग होगा लेकिन एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ खास रिएक्शंस को आप देखते हैं, खास रिएक्शन देखो। जैसे गाइस अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे तो आपके सामने यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा
एक 2 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री एल्कोहल में क्या सीन है, अब हम इसको अगर ऑक्सीडाइज करते हैं, रिएजेंट्स आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म के टच से इसको बताता हूं। ये अपने लोन पेयर्स को, क्योंकि इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव, तो ये अपने लोन पेयर्स को से टॉइंग आगे की तरफ बढ़ाएगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ाएगा तो ये कार्बन अपने हाइड्रोजन गरीब को भगा देगा और ऑक्सीजन अपने गरीब हाइड्रोजन को भगा देगा, मतलब अपने से जो गरीब इंसान है। तो गाइस फिर से वही बात, यहां पर बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ और इधर की तरफ हो जाएगा आर। सिमिलरली अगर अब मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना चाहूं फर्दर, तो सवाल इस बात का है गाइस, ये फर्दर नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। पूछो क्यों, देखो ध्यान से। अभी तक हम क्या करते थे कि जो कार्बन होता था वो अपने गरीब हाइड्रोजन को भगा देता था। इस बार कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है और कार्बन जुड़ा है एल्किल ग्रुप से, जिनको वो भगा नहीं सकता गाइस, जो मैकेनिज्म में हमने सीखा। तो यहां से क्या पता चला कि ऐसे केसेस में जहां पर कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है वहां पर ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं होता दोस्त, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, अब देखो ध्यान से गाइस, अगर हमें इसे ऑक्सीडाइज करना होगा तो आप देखो कार्बन के पास नो हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप है। अगर आपको पूरा मैकेनिज्म याद हो तो मैकेनिज्म में ये जरूर होता था कि कार्बन अपने हाइड्रोजन को हटाता था, इस बार ये एल्किल ग्रुप्स को तो हटा नहीं सकता गाइस। तो 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो मैकेनिज्म बताना देखो कितना जरूरी था। अब कोई एक बच्चा होगा जो इस चीज को रटेगा, वो रट लेगा, स्क्रैप कर लेगा कि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। एक बच्चे ने समझा कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये अपने लोन पेयर्स को डाउन करता है, वो अपने हाइड्रोजन भगाता है और ये अपने हाइड्रोजन, तो इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो किसको भगाएगा गाइस, दैट्स व्हाई ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। सो आई होप गाइस इतना आप लोगों को एक टच समझ में आया। नाउ नेक्स्ट अप, अब हम देखने वाले हैं कि अगर अपने को जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, तो हम लोगों ने यहां पर जस्ट अ मिनट, नेक्स्टली वी विल बी डूइंग अ जस्ट अ मिनट। So, yes, अब हम लोग कुछ एजेंट्स से मिलने वाले हैं, सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स याद रखने हैं और किससे क्या बनता है वो मैं बताने वाला हूं। तो गाइस बी रेडी एंड एनर्जेटिक। तो सबसे पहले गाइस अगर आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड्स बनाना है तो आपको, और एल्डिहाइड्स पे रोकना है कि फर्दर वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर ना चला जाए, तो कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं और कौन सा बेस्ट रिएजेंट है। सो गाइस अगर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा पीसीसी, व्हाट इज दिस, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आप चाहो तो इसका नाम लिख लो, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। सिमिलरली गाइस ये क्या है, सिमिलरली पायरीडीनियम डाइक्रोमेट। सिमिलरली गाइस कॉपर को अगर आप हीट कर दो एंड CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, ये सारे वो रिएजेंट्स हैं जिसकी मदद से आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो और एल्कोहल को आप एल्डिहाइड तक पहुंचा सकते हो, उसके आगे नहीं एल्डिहाइड तक। तो एक तरह से ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, आप नोट कर सकते हो गाइस। अच्छा, इन सब में सबसे बेस्ट यील्ड अपना पीसीसी देता है, पीसीसी सबसे बढ़िया प्रोडक्ट देता है, एनसीईआरटी में मेंशन है, सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट निकाल के देता है। सो पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी, पायरीडीनियम डाइक्रोमेट, कॉपर को आपने हीट कर दिया एंड CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, या पायरीडीन भी मेंशन होता है गाइस इसके साथ में, पायरीडीन आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन सब में एक खास बात है कि यहाँ वाटर का बिल्कुल भी यूज नहीं होता, और गाइस सबसे आप देखोगे कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा क्रोम, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम सुनने को मिल रहा है, क्रोमेट, क्रोमेट, क्रोमियम बहुत सुनने को आपको मिल रहा है। इसका रीजन क्या है, क्रोमियम गाइस जब आप डीएफ पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे जो क्रोमियम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैक्सिमम वो +6 होता है, तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए आपको इतना क्रोमियम क्रोमियम सुनने को मिल रहा है, क्योंकि क्रोमियम पे होता है +6। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, और यही तो हम चाहते हैं कि सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाए, राइट। सो आपको एट द एंड ये सब याद रखना है, पीसीसी, पीडीसी, कॉपर को हीट कर दो या CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, ये सारे आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें आप एल्कोहल से एल्डिहाइड्स को इंस्टेंटली बना सकते हो, राइट, ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सिमिलरली गाइस अगर आपको एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक चाहिए, देन इन दैट केस तब आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को काफी महंगे
ऑक्सीडेशन को कॉल लगाना पड़ेगा, महंगे गुंडों को बुलाना पड़ेगा. एक होते ना हल्के फुल्के गुंडे, एक होते बड़े लेवल के स्टेट इंटरनेशनल. तो अब आपको काफी हैवी दर्जे के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत है, हैवी डोज. सो गाइस KMnO4 K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये सारे वो रिएजेंट्स हैं जो अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोजेलिक में डायरेक्ट उठा लेते हैं. अल्कोहल को कार्बोजेलिक में डायरेक्ट वाला काम है, राइट. तो कैसे याद रखना है KMnO4. अच्छा, KMnO4 को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन जो K2Cr2O7 है ना, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइज करता है बच्चों. ओके, एक चीज ध्यान दो, CrO3 आ गया फिर से ऊपर. अगर आप देखोगे तो CrO3 यहां पर भी था और CrO3 यहां पर भी था. इसको गाइस जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में मेंशन है जोन्स रिएजेंट. तो आपको याद क्या रखना है, अगर CrO3 एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम, देन इट विल बी एक्टिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट अगर CrO3 CH2Cl2 या पाइरिडीन की प्रेजेंस में है, तो वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई वंस अगेन रिपीट, अगर गाइस CrO3 एसिडिक मीडियम में है, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, राइट. तो ये कुछ आपको बहुत हेल्प करने वाले एग्जाम्स में गाइस. ये चार यहाँ पर मैंने बताए, तीन यहाँ पर बताए. अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक और अपकमिंग वीडियोस में हम और ज्यादा अच्छे अच्छे रिएजेंट्स, मतलब जितने मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं. यहाँ पर मैंने एल्कोहल और कार्बोजेलिक वाला जोन को बस एक पकड़ा और वहां पर बना दिया. ऐसे हाइड्रोकार्बन से लेके बहुत सारे ईस्टर्स, एमाइड और बहुत सारी चीजें, एमाइन, सबकी ऑक्सीडेशन की एक कंपाइलेशन वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है. बट अभी हम इस वीडियो में टारगेट कर रहे हैं एल्कोहल एंड कार्बोजेलिक एंड एल्डिहाइड. सो आई होप कि आप लोग ये रिएजेंट्स को इस वीडियो में पढ़ते पढ़ते ही याद कर लोगे. पीसीसी, पीडीसी, कॉपर एंड CrO3 विद CH2Cl2. सिमिलरली गाइस, अगर यहां पर आपका KMnO4 है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में या CrO3 एसिडिक मीडियम में, तो इट विल बी एक्टिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. अब देखो गाइस, जैसे आपके सामने ये एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने लिया अलग से क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशनड है. ये 3° अल्कोहल है, यस सर. अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं उसको तो हम हटा नहीं सकते, यस सर, बिल्कुल बताया था. तो अब यहां पर कॉपर के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको हाईली, इसको अच्छी खासी हीट दे दें, हाई टेम्परेचर, अच्छा खासा हीट दे दें, तब तो कुछ ना कुछ होगा. और वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, वहां पर होगा एलिमिनेशन रिएक्शन. लिख लो गाइस स्टार बना के, वहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन. अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब कोई ना कोई एलिमिनेट हो रहा है. तो कौन एलिमिनेट होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस, कौन एलिमिनेट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं CH3, ठीक है, CH3 यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पर भी CH3 एंड यहां पर भी CH3. सो गाइस यहां पर वाटर एलिमिनेट कर जाता है. सो कैसे, देखो ध्यान से, इसका OH एंड इसका H, ये OH एंड H टाटा बाय बाय कर देते हैं और यहां पर आ जाता है एक डबल बॉन्ड. फिर से इसका OH, ये वाले कार्बन का OH एंड इस वाले कार्बन का H एलिमिनेट कर जाता है और बीच में आ जाता है एक डबल बॉन्ड. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, दैट्स व्हाई हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं कि आपका अगर 3° अल्कोहल है, जिसको मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, इसीलिए कहते हैं गाइस, अगर कोई बच्चा है जो अपने आप को एवरेज समझता है, देखो एवरेज समझोगे आप अपने आप को तो नॉर्मल कंडीशंस में कुछ नहीं होगा, अपने आप को विग्रेस कंडीशंस में ले जाओ, अपनी और मेहनत करो, टेम्परेचर हाई कर दो. मतलब ये नहीं कि जाके गर्मी वाली जगह पे बैठ जाना है, इसका मतलब ये है कि अपने अंदर की जो फायर है उसको डबल ट्रिपल करो, तो आप भी कुछ ना कुछ कर ले जाओगे. सिमिलर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना अपना, ठीक है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो गाइज आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी समझ में आया. अब लास्ट इन दिस वीडियो हम एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, MnO2. MnO2 के बारे में ज्यादा मेंशन नहीं किया जाता, बट बीच बीच में जब ये आ जाता है तो बहुत परेशान करता है. तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि MnO2 रिएजेंट कहां कहां कैसे यूज करना है, माइंड में रखना गाइस. अब देखो ध्यान से MnO2 सिर्फ डील करता है दो लोगों के साथ, कौन कौन सर, एक अपना एलाइलिक के साथ और एक बेंजाइलिक. ये बात तो क्लियर है कि अगर ये वीडियो ऑक्सीडेशन की है तो ये पक्का ऑक्सीडाइज ही करने वाला है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज ही करेगा. बट इसकी एक कंडीशन है कि मैं सबके साथ ऑक्सीडाइज नहीं करेगा. जैसे कुछ बच्चे होते हैं मैं सबके साथ दोस्ती नहीं करेगा, उसी तरह से ये सबके साथ ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये सिर्फ एलाइलिक के साथ और बेंजाइलिक के साथ ऑक्सीडाइज करेगा. अब यहां पर बैठे काफी बच्चों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज एलाइलिक एंड व्हाट इज बेंजाइलिक, तो मैं आपको बता दूं. देखो अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 बोले तो साफ चारों तरफ सिंगल बना रहा है,
और उसके पड़ोस में एक सी डबल बॉन्ड सी ओ, सी डबल बॉन्ड सी। तो गाइज इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक बोलते हैं। सर फिर से, एक ऐसा कार्बन हो जो sp3 हो यानी सारे सिंगल बॉन्ड हो और उसके पड़ोस में नेबरहुड में एक सी डबल बॉन्ड सी हो, उसे एलाइलिक बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपका एक ऐसा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो यानी सारे सिंगल बॉन्ड हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, एंड बगल में एक बेंजीन रिंग हो, क्या होगा इस बगल में एक बेंजीन रिंग हो, तो गाइस इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो ये प्लीज आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो इसको, जरा इसको नोट करिए गाइस, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। कम ऑन गाइस, हरी अप क्विकली, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी किसी भी तरीके का, हरी अप, कम ऑन गाइस, हरी अप। सो एलाइलिक समझ में आया एंड बेंजाइलिक भी समझ में आया। नाउ अब रिएक्शन में कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अच्छा एक चीज और, एलाइलिक बेंजाइलिक हमने समझा, अब इसमें एक चीज और समझनी है कि एल्कोहल को ये ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन तक ही लेके जाएगा, ये मत सोचना कि सीधा कार्बोक्सिलिक तक लेके जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अब देखो आपके सामने बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे गाइस एंड दैट्स इट। अब देखो ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके बगल वाला कार्बन जो है वो एलाइलिक है। तो गाइस आई वांट दी फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन, क्या MnO2 एलाइलिक को ऑक्सीडाइज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर ये एलाइलिक कार्बन है तो इसका H टाटा बाय बाय, और गाइस जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, भाई H H को हटाना है, H H को हटाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, बात समझ में आई? मतलब इस एलाइलिक वाले कार्बन का H हटाना है, ऑक्सीजन का H हटाना है, और बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना है, बात समझ में आ रही बच्चों? एक हाइड्रोजन और बचा रह जाएगा जो, क्योंकि एक और हाइड्रोजन है, मतलब चार बॉन्ड कंप्लीट करेंगे इसके, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं फिर से बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है वो एलाइलिक है, तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटाना है और इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना है, जो कि मैंने किया। सिमिलरली गाइस यहाँ पे देखना नेक्स्ट वन, यहाँ पर गाइस ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल ये एलाइलिक है, तो ये भी एलाइलिक है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो गाइस जब होगा तो कैसे होगा, होगा होगा कैसे होगा, कुछ नहीं, इसका हाइड्रोजन एंड इसका हाइड्रोजन हटाना है और ऑक्सीजन एंड इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना है। सिमिलर इज द वे गाइस, देखो कीटोन बन गया आपका। फिर से सर, फिर से बहुत फास्ट हो रहा है, देखो गाइस ध्यान से, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटाना है एंड बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट अप, वी हैव नेक्स्ट अप। अब गाइस ये एक बेंजीन है और बेंजीन से जुड़ा जो कार्बन होता है यहां पर एक दो तीन चार, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक। तो क्या ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा? बिल्कुल हाँ, बेंजाइलिक कार्बन को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेंजीन से जुड़ा कार्बन बेंजाइलिक, sp3 होना चाहिए, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, राइट? तो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन हटाना है एंड बीच में डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के लगाना है, करेक्ट। सो गाइस यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी एक अपना हाइड्रोजन, ठीक है। अब गाइस एक आया थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, ट्रिकी पार्ट ये गाइस, यहां पर आपके सामने दो कार्बन दिख रहे हैं, एक ये कार्बन दिख रहा है और एक ये कार्बन दिख रहा है, दोनों में से दोनों के पास OH है, इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है। सवाल इस बात का है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो गाइस देखो ये बेंजीन नहीं है, पहली बात ये बेंजीन नहीं है, ये याद रखना, ये डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा कार्बन होता है एलाइलिक, क्या होता है गाइस, एलाइलिक। और ये तो बहुत दूर चला गया, तो ना ये एलाइलिक है ना ये बेंजाइलिक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर से ये बेंजीन नहीं है तो ये बेंजाइलिक एलाइलिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाइस देखो ये डबल बॉन्ड से बहुत दूर है, ना ही ये बेंजाइलिक है ना ही ये एलाइलिक है, ये कार्बन एलाइलिक है जिससे OH जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो गाइस इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, सो इसका ऑक्सीडेशन होगा कुछ इस तरह से, यहां पर गाइस नीचे वाले को तो एज इट इज लिख दो एज इट इज, और ऊपर वाले में फिर से वही बात, इसका हाइड्रोजन हटाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। So guys, I hope आपको MnO2 का भी function समझ में आया, उसने कैसे oxidize किया। So guys, that's it for this video. Upcoming video इससे भी धांसू होगी, revise करते रहना, और अगर video काफी अच्छी लगी हो, relevant लगी हो, तो please इसको share करना। Thank you so much for watching this video.